एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफाली यास्मीन, वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। आज जिस मूवी का रिव्यू लेके मैं आपके सामने आई हूँ, इसका नाम है डार्लिंग्स। अच्छा, ये मूवी मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छी इसलिए लगी कि बड़ी नेचुरल एक्टिंग है। आलिया भट्ट की ये मूवी है और आलिया भट्ट जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कहना चाहिए एक्टिंग को वो ट्राई भी कर रही हैं और बहुत खूबी के साथ उसको निभा भी रही हैं। डार्लिंग्स की स्टोरी डोमेस्टिक वायलेंस को लेके है, लेकिन उन्होंने उस स्टोरी को इतना नॉर्मल वे में किया है कि देखने वाला जो है वो एक कॉमेडी भी है उसके अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस भी दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत उसको हार्ड कोर करके नहीं किया है, बहुत सॉफ्ट वे में उन्होंने एक चीज़ को दिखाई है। कहीं कहीं आपको कॉमेडी भी मिलेगी और जितने भी एक्टर उसके अंदर हैं सबकी जो एक्टिंग है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल है और सॉन्ग्स वगैरह कोई इतने ज़्यादा नहीं है। इसमें की जो स्टोरी है वो ये है कि आलिया भट्ट को मोहब्बत हो जाती है और उसकी घर वाले जो हैं उनको वो लड़का जो है वो समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन बहरहाल वो उससे शादी कर लेती है, लव मैरिज होती है। अच्छा, वो काम नहीं करता था, फिर उसने कहा कि जी जब तक जॉब नहीं लगेगी मेरी तो मैं शादी कैसे करूँ। तो एक दिन उसकी जॉब लग जाती है, दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो उस आदमी का एक बिल्कुल नया रूप देखती है। वो रूप ऐसा होता है कि वो शराब भी पीता था और उसके बाद वो इसको जो है अपनी बीवी को मारता भी था। काफ़ी उसको तंग किया उसने, काफ़ी मारा, दाल में नमक ठीक है कि नहीं है, मैं मुंह जला दूंगा, इस तरह की चीज़ें थी, मतलब पूरा डोमेस्टिक वायलेंस है। लेकिन उसके बाद होता ये कि ये चाहती है बेबी, वो नहीं चाहता है, लेकिन बहरहाल जब ये कंसीव कर लेती है तो ये उसको ऊपर से धक्का दे देता है और ये सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और एबॉर्शन हो जाता है। बस इसके बाद दिखाया है कि इसकी ज़िंदगी में चेंज आता है और फिर ये कहती है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो वो अपने ही मियाँ को अपने ही घर में कैद कर लेती है और उसके बाद उसको बहुत इरिटेट करती है, अच्छी तरीके से अपने बदले ले रही होती है। लेकिन एक वक्त आता है वो कहती है मुझे इससे जान छुड़ानी है। अच्छा, इसकी माँ की जो एक्टिंग है वो भी बड़ी अच्छी है। इसकी माँ कहती है कि तुमने इसको जो है रखा हुआ है, पुलिस वाले आ जाएंगे। इत्तेफाक से पुलिस वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं इंक्वायरी करने, तो इसको तो इन्होंने बेहोश किया हुआ होता है इसलिए वो पकड़ नहीं पाते। उसके बाद क्या होता है, एक दिन ये होश में आ जाता है और आके बाहर निकल जाता है, लेकिन इसको बहुत हैवी डोज इंजेक्शन दे दे के इसको सुलाया हुआ होता है तो इसकी जबान जो है वो साथ नहीं देती। ये पुलिस स्टेशन पहुंचता है लेकिन बोलना क्या चाहता है बोल ही नहीं पाता, अल्फाज क्लियर नहीं होते। तो आलिया भट्ट क्या करती है, स्टेशन पर पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वो उसको उठा के हाय तुम मिल गए और ये वो कह के उसको ले जाती है। वहाँ पर यह होता है कि वो डिसाइड करती है कि मुझे इसको मारना है। कैसे मारना है, तो रेलवे लाइन पर ले जाके मार देंगे। अपने एक फ्रेंड को बुलाती है, उसकी मदद से ये इसको रेलवे लाइन पे बांध देते हैं ट्रैक पे और खुद कोने पे खड़े हो जाते हैं। फिर अचानक से वो आलिया भट्ट में एक चेंज दिखाया और वो कहती है कि नहीं, उसकी माँ कहती है बिच्छू है इसको मर जाने दो, वो कहती है कि नहीं ये बिच्छू है मैं तो नहीं हूँ ना, तो ये गलत है जो हम कर रहे हैं वो गलत है। वो भागती है, उसका हाथ खोल देती है और हाथ खोल देती है और हाथ खोल के पीछे हट जाती है। तो वो टर्न होके जो उसको देखता है तो इतने में वो पटरी से हटता नहीं है और ट्रेन उसको कट करती हुई निकल जाती है। बहरहाल फिर वो घर जा रहे होते हैं तो उसकी वो कहती है कि अच्छा हुआ, आलिया भट्ट कहती है कि अच्छा हुआ मैंने जो है इसे खोल दिया था। तो उसकी माँ कहने लगी हाँ अच्छा हुआ कि तुमने खोल दिया, वरना तुम भी मेरी तरह पूरी ज़िंदगी अपने आप को ब्लेम करती क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। तो इसमें ये है कि एक डोमेस्टिक वायलेंस है, उसका एंड उन्होंने दिखाया है कि वो पहले तो मोहब्बत करता था, शादी भी कर लेता है, लेकिन उसके बाद मार पीट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी रोज़ाना के बेसिस पे होने लगती हैं। फिर वो कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लेती है तो उस पर भी उसको मुसीबत आ जाती है कि ये क्यों ले लिया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें जिसमें हम कहेंगे कि अगर इसको बहुत हार्ड कोर करके डिप्रेसिव करके दिखाया जाता तो बड़ी तकलीफ होती, लेकिन इन्होंने बहुत लाइटर मूड में उस चीज़ को पेश किया। डोमेस्टिक वायलेंस पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए मुझे ये मूवी भी अच्छी लगी क्योंकि हकीकत से थोड़ी करीब है, ऐसा कुछ होता है और इसकी एक्सट्रीम ये होती है कि जिसको मार देते हैं। तो मारना तो मसले का हल नहीं है, आखिर में मूवी में भी यही मैसेज कन्वे किया कि जी मारना नहीं था, वो तो खुद मर गया। बहरहाल ये मूवी अच्छी है, आपको मौका लगे ज़रूर देखिएगा। नहीं किया आपको फैंटेसी नहीं मिलेगी, इसको आप आर्ट मूवी कह सकते हैं, सॉर्ट ऑफ आर्ट मूवी, लेकिन इट इज़ नॉट कम्प्लीटली आर्ट मूवी, नॉट कम्प्लीटली इंटरटेनिंग मूवी। ये एक बहुत सिंपल सी आम जिंदगी की उन्होंने फिल्म बनाई है, स्टोरी शॉर्ट है, बहुत बड़ी मूवी नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा देखने में, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग है और जो एक मैसेज इस मूवी के थ्रू कन्वे करना चाह रहे थे वो मैसेज भी बहुत प्रॉपर तरीके से कन्वे हो रहा है।
तो आपको मौका लगे तो डार्लिंग जरूर देखिएगा। और बस यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा है मूवी का तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी किसी नई मूवी के रिव्यू के साथ। खुदा हाफिज़।